हाँ, और अभी इस मामले में सितारों के हवाल क्या कहते हैं हम जानते हैं। अजीम जाफरी वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ आज मौजूद हैं। बोल प्रेडिक्शन की जाने बढ़ते हैं और जानते हैं कि सियासी सितारे क्या कह रहे हैं, इस पर क्या चल रहा है। तो अजीम जाफरी साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू। आप कैसे हैं सब? दोनों खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जाफरी साहब आप कैसे हैं, क्या हाल हैं आपके? की दुआएं, आप सुनाएं, सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। अजीम साहब ये बताइएगा कि जिस तरह की अभी हम बात कर रहे हैं कि हमारा डेमोक्रेटिक मुल्क है, तो ये आपको डेमोक्रेसी चलती हुई नजर आ रही है आगे, या हमारे मुल्क में भी हम कहें कि जी खत्म हो जानी चाहिए डेमोक्रेसी, क्योंकि डेमोक्रेसी के नाम पे तो हमारे मुल्क को जाया और तबाह किया जा रहा है। सितारे क्या बता रहे हैं आपके? ये जैसे चल रहा है ना, ये इसी तरह ही चलता रहेगा। ये आज आप बात लिख लें मेरी, 75 साल से हम ऐसे ही चल रहे हैं, आगे भी हम ऐसे चलते रहेंगे। 71 साल जैसे चल रहा है ना, ये इसी तरह चलता रहेगा इंशाल्लाह। तो बेहतरी नहीं आएगी, आपने इंशाल्लाह कह दिया, इसका मतलब बेहतरी नहीं आएगी। इंशाल्लाह क्यों कहा? बेहतरी आती है, मगर उसको जब देखते हैं ना कि कुछ ज्यादा ही बेहतरी आ रही है, तो वहीं रोक दिया जाता है, वापस खींचो। चले अच्छा, अजीम जाफरी साहब ये बताइए कि अभी काफ़ी ज़्यादा सुनबुन है और काफ़ी सुनने में आ रहा है कि सूरज ग्रहण से काफ़ी ज़्यादा असरात मरतब होंगे सितारों पे, हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने आएगा। जोडियक साइंस के लिए भी काफ़ी जो है कुछ सितारे ऐसे हैं जो उनके ऊपर बहुत बुरा असर भी डाल सकते हैं। तो सूरज ग्रहण के बारे में बताएँ कि हमारे मुल्क की मईशत पे, हुकूमत पे ये क्या असर डालेगा? मेरे हिसाब से थोड़ी सी अनसर्टेनिटी लेकर आएगा। अचानक आपको ऐसा लगेगा फिर दोबारा महंगाई वापस मुड़ रही है, आपको ऐसा लगेगा अभी तो पेट्रोल की प्राइसेस कम हुई थी, ये फिर बढ़ाने के चक्करों में आ रहे हैं, इस तरह का होगा। तो यानी कि अभी तो जी जी बोलिए जी जी। नंबर एक। नंबर दो, कुछ ऐसा लगेगा जैसे कि आपको एक वो नहीं होता कि करो अंदरूनी घबराहट सी, बेचैनी सी भी रहेगी तबीयत में। और मैं हमेशा कहता हूँ कि इन दिनों में जैसे अभी ये खास तौर से स्पेशली 16 अक्टूबर टिल 16 नवंबर हार्ट का बहुत केयर करना है। प्रेगनेंसी ख्वातीन को अगर हुई हुई है, प्रेगनेंसी हुई है जो प्रेग्नेंट है ख्वातीन वो, और जो हार्ट के इश्यूज जिनके साथ खुदा ना करे अगर कोई फेस कर रहे हैं, तो उनको मैं कहूँगा ये महीना बहुत केयरफुल रहे। अगर जो बल्कि अपना ऑपरेट कराने जा रहे हैं तो अगर थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें तो भी अच्छा है। अच्छा, हार्ट का अगर ऑपरेशन या बाईपास वगैरह करवाने जा रहे हैं तो आपको ये भी टिप दे दूं कि हार्ट का इशू क्रिएट कहाँ से होता है। अगर आपके घर में ईस्ट के कॉर्नर पे, जैसे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ चार डायरेक्शंस होते हैं, तो अगर ईस्ट में आपका क्लटर है, कोई शू रैक है, कोई डंप किया हुआ स्टोर आ गया, वॉशरूम आ गया उधर, टॉयलेट आ गया, तो समझ लें उस घर में एक किसी को जरूर हार्ट अटैक का इशू आता है, हार्ट का इशू आता है। अच्छा, ये वास्तु के हिसाब से आप बता रहे हैं हमें। मेरी अब ये पता है वरदा, ये कोशिश है कि अब हम ना टॉपिक्स पे डिस्कस करें, ये बहुत हो गया, ये हफ्ता कैसा गुजरेगा। सही, ठीक है ना, जैसे इधर ही जाते हैं, अब उस पे आ रहा हूँ कि यार आप इससे निकलो। सही, ये बाबों के चक्कर की आप पे बंदिश हो गई, आप पे जादू हो गया, इनसे निकल तरफ आओ के भाई ईस्ट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ईस्ट पे क्या होता है, ईस्ट पे क्या महबूब आपके कदमों में, जुनैद बंगाली, इनसे बाहर निकले। वो तो कदमों महबूब तो कदमों में नहीं होता, वो खुद कदमों में चले जाते हैं बंगाली के। ये आप मिसाल के तौर पे आप शोबिज से रिलेटेड हैं, मीडिया से हैं, ठीक है ना, तो अगर आप ईस्ट को अच्छा रखेंगे, ठीक है ना, उधर मतलब आपने प्लांट्स लगा दिए, उधर साफ सुथरा कर दिया, छोटा सा वाटर फाउंटेन लगा दिया कुछ इस तरह का, ठीक है, परिंदों के लिए बर्ड्स रख दिए, अगर लॉन पे आ रहा है, तो आप देखिएगा आपको अपने करियर में कितनी बूस्ट मिलेगा आपको। अच्छा, मीडिया पर्सनालिटीज के लिए बता रहे हैं तलहा, आप ये देख लें तलहा। जाफरी साहब, कारमा में यकीन रखते हैं आप? डू यू बिलीव इन कारमा? कर्मा पे बिल्कुल जी, बिल्कुल 100%, इस पे तो कोई दो राय नहीं है। तो फिर क्या वजह है कि हमारे मुल्क में लोग अच्छे काम कम करते हैं, जबकि कारमा में यकीन तो होता है, इस कारमा को किस तरह हम फैलाएं? क्योंकि यकीनन ये पहले बताएं उसी लोगों को कारमा होता क्या है, काफी सारे लोग नहीं समझ रहे होंगे। जाफरी साहब, अपना जो है आपने जो किया है गुड डीड्स उसका रिजल्ट है ना, जो बोगे सो काटोगे। लेकिन हमने जो बोया है सर, उसमें तो सिर्फ करप्शन है, झूठ है, चोरी है, फ्रॉड है, धोखेबाजी है,
400 BC है, तो अब काटेंगे क्या हम? हाँ, बस ये, हाँ, नेचर से दूर होते जा रहे हैं। चलें अजीम साहब, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट भी आती है, लोग कोशिश करते हैं कि उनको उन सितारों के बारे में पता चलता जाए, तो आप ये बता दें कि किन सितारों के लिए ये हफ्ता बहुत बेहतरीन साबित होगा और किन सितारों को एहतियात और परेशानी या फिर कोई सदका वगैरह निकालने की ज़रूरत है? देखें सत, ये बात, ये जो हम कर्मा की बात कर रहे थे ना अभी, तो वो इसी पे आके रुकती है कि हम सदकों से दूर हो गए। बिल्कुल, हमने सदका देना किया है, हम सदके अवॉइड करते हैं, ठीक है ना। और जो बड़ा आदमी है वो मुंह उठाया, चलो भी वो ऊंट का सदका कर दिया, गाय का, बकरे का, ना दिन देखा ना टाइम देखा। अच्छा, जो आदमी है उसको अगर कहो कि आपके बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम, नहीं बच्चे ये कहाँ मानते हैं। हाँ। अजीम साहब आप भाई कहाँ मानते हैं, मैं तो दो लगाऊं और मनवा लूं बच्चों को, हमने तो ऐसी की। हाँ, अब ये जहाँ ये थिंकिंग होगी ना कि नहीं कौन करे इससे क्या होगा, अच्छा बस, तो फिर हम कहते हैं अच्छा फिर ऐसे ही चलने दें। अच्छा, अब आपने कहा कौन सा किंग का अच्छा जा रहा है, देखिए 24 तारीख को ना सीधा हो रहा है, स्ट्रेट हो रहा है, वीनस वाज रेट्रोग्रेड, आइए अब सीधा हो रहा है, सीधा होता है तो काफी बेहतरी आती है, सही, पेंडिंग्स डिलेज आपके रुकावटों में वो सही होने शुरू होते हैं 24 अक्टूबर को, मेरे हिसाब से जी 24 अक्टूबर को सही। अच्छा, 18 को वीनस लिब्रा में गई है, ठीक है ना, वीनस लिब्रा में गई है, तो वो वीनस वाली यानी के लिब्रा वालों का अब बेहतर हो गया, उनका बहुत लास्ट 28 डेज वाज वेरी हेक्टिक, ठीक है ना, अब वो फील करेंगे। अच्छा, उसके बाद बारी है नेक्स्ट, मतलब 24 नवंबर को जुपिटर ठीक हो रहा है, वो भी उल्टी चाल में, वो सीधा हो रहा है। अभी भुगतान रहना है अगर, तो सिर्फ और सिर्फ जो मेरी थोड़ा बहुत आता है मुझे हल्का फुल्का एस्ट्रोलॉजी, उसमें आप लियो वालों को बहुत केयरफुल रहना है। अच्छा, हाँ, उनका डेबिलेशन में चला गया, उनके अपने से वर्स्ट उसमें चला गया, खराब घर में, तो जब आप खराब घर में कोई स्टेप लेते हैं तो उसका रिजल्ट खराब आता है। आपने अच्छा वो यार वो प्लॉट लिया, वो लेने के बाद 15 दिन बाद प्राइसेस गिर गई, नुकसान हो सकता है। हाँ, नुकसान, फजूल की भाग दौड़, खर्चे, एक्सपेंडिचर बेकार के, ट्रेवल किया तो वो यूजलेस हुआ, वो बंदा नहीं मिला, वो फाइल नहीं साइन हुई, डिले आएगा, यानी काम में बिला वजह लियो के कामों में डिले आएगा, तो लियो वाले थोड़ा सा एहतियात करें, सदके वगैरह निकालें और अपने कामों को थोड़ा सा मजीद डिले कर दें, बाद में करें। कभी निकालें तो इतवार और मंगल के दिन परिंदों को बाजरा, और अगर आप थोड़ा सा फूड कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छा होगा कि आप 5 किलो आटा दे दें। सही, 5 किलो आटा लियो वाले। जाफरी साहब, कितनी शादियां की आपने? शादियां की आपने? मैं तो भाई अभी रुकी नहीं रहा हूँ, अभी रुकूंगा तो बताऊंगा। ये है मर्द, सही जवाब, ये है असल मर्द। देखा वर्दा आपने, ऐसे भी लोग होते हैं हमारी दुनिया में। थैंक यू जाफरी साहब, अल्लाह आपको खुश रखे, मौला आबाद रखे। चल रहे वर्दा के साथ, कि जब भी मैं बात करता हूँ कि मर्द 4 शादियां कर सकते हैं तो वर्दा को आग लग जाती है। चलिए मेहमानों से जब मैं बोर हो जाता हूँ तो ये सवाल पूछता हूँ कि उन्होंने कितनी शादियां की हैं, और आज जाफरी साहब ने बता दिया है कि मैं तो रुक ही नहीं रहा हूँ। उनकी एक ही शादी है, उन्होंने आपको खाली सही जवाब दिया कि उनको पता था कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं और क्या सुनना चाह रहे हैं। नहीं, मैंने जो सुना है वो सही सुना है, और आपने भी जो सुना है वो सही सुना है, वो रुक नहीं रहे। दोबारा से लेंगे हम उनको, फिर बात करेंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं, और इस वक्त हुआ है स्टोरी टाइम। जब भी मैं गमजदा हूँ तो जब भी मैं उस चीज को देखूँ तो मैं खुश हो जाऊँ। एक नई बीवी मिल गई होगी उसे, यहाँ पे हमें डालना चाहिए। उनके बादशाह कहता था कि जब मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाऊँ वो चीज देखूँ, तो उस दौरान उन्होंने कहा कि जब भाई देने वाले ने, जब जो ही बादशाह को चीज़ दी, उसने कहा कि इसकी ख्वाहिश को ये पूरा कर देता है। उन्होंने पता नहीं कोई चीज़ दी बादशाह को, एक अंगूठी दी थी। उन्होंने कहा कि जब भी आप इसे जो ख्वाहिश जाहिर करेंगे वो आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। कोई बादशाह को बहुत पसंद आई, और उसके बाद बादशाह जब भी गमज़दा होता था वो उस अंगूठी को देखता था और अपना गम भूल जाता था। तो ये एक स्टोरी थी, और इसके एंड में क्या हुआ ये हम आपको बताएं कि जी वो एक अंगूठी में एक नगीना था, एक पत्थर था, और पत्थर पे कुछ लिखा हुआ था, और उस पर जो लिखा हुआ था वो क्या था, वो लिखा ये था कि वक्त कभी एक सा नहीं रहता। तो ये स्टोरी थोड़ी सी लंबी थी, मैंने बहुत शॉर्ट की क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। यानी कि उस अंगूठी पे आप ये हमेशा याद रखें जो उस अंगूठी में बात लिखी थी कि वक्त कभी एक सा नहीं रहता, तो कभी मायूस मत होइए अगर आप कभी गमजदा हैं, तो इस बात को याद रखिए कि वक्त बदलता रहेगा। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। एक बार फिर नंबर 1
वो न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तो बाद में बात करूंगा, ये लाल हवेली का बताइए, ये क्यों छीनना चाहते हैं आपसे? बोल का प्रोग्राम तज्जिया 8 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया। के जी तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, इमरान खान के साथ इसलिए खड़ा हूँ कि मैं नस्ली और असली हूँ। 41% सारिफिन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया क्योंकि बोल है नंबर 1। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स, इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा, अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का, PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।